Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए एंड डेफिनेटली वो चाहते क्या है ओके और लोगों से वो आपके विषय में क्या बातें कहते रहते हैं. सो दिस विल बी कम्प्लीटली अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइज एंड जनरल प्रेडिक्शन गाइज. सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट. सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ओके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज. तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए और हम देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार. फोर ऑफ पेंटेकल्स की कार्ड है यहाँ पे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन. ओके दो कार्ड एक साथ निकल के आया. ओके सो वी डू हैव द विल ऑफ फॉर्चून. यहाँ पे है हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टेन ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा ये बात है. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. देखो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि यहाँ पे है एक्वेरियस. ठीक है अगर कोई बाकी साइंस नहीं आया तो कोई बात नहीं हम दूसरे डेक से वेरीफाई करेंगे तब देखना. ठीक है सो 10, 9, 2, 17 दैट इज 8. 10, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 4 एंड 6 आर इम्पॉर्टेंट. सो 10, 10 काफ़ी ज़्यादा आप दिख सकते हैं और मुझे दिख रहा है 10 घंटा या हो सकता है 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट घटनाएं आप दोनों में हो. ठीक है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपके चाहत में इतना मतलब पूरी तरह से ये डूबे हुए हैं कि इंसान ना किसी एस्ट्रोलॉजर या मे बी साइकिक मे बी एनीवन उनसे हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स करवाए हो पर्सनल और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया हो कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में. पर ये इंसान जो भी है ठीक है दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द रिलेशनशिप. कहाँ वो जाना चाहते हैं इनको तो पता रहता है. अगर वो एक प्रोफेशनल बात होता है ना उनको सब कुछ पता है व्हाट डू दे वांट उनके नेक्स्ट एम क्या है नेक्स्ट टारगेट क्या है किस तरह से उनको अचीव करना है सब कुछ पता रहता है. लेकिन जब भी बात आता है लव लाइफ रिलेशनशिप का तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई डेस्टिनी में है तो ही वो मिलेगा वरना नहीं मिलेंगे. तो कहीं ना कहीं पे आपके बारे में जानने के लिए ओके दे ऑलवेज व्हाट डू दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि सही में ये सब चीज़ होता है या नहीं. एंड दूसरा है ये ऑलरेडी किसी से कंसल्ट कर चुके हैं बाय एन एक्सपर्ट. ठीक है दूसरा चीज़ है कि मे बी ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है या ऑनलाइन रीडिंग्स लिए है वट एवर बी द केस. बट फिर भी ये इंसान जो है श्योर नहीं हो पा रहे हैं या खुद के ऊपर उनका भरोसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से बैलेंस कैसे करेंगे. क्योंकि ये इंसान लगभग जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर लोडेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोडेड विथ वर्क लोडेड विथ यू कैन से आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे उनके ऊपर सब कुछ चीज़ जैसे दिया मतलब दे दिया गया है. बट एक अच्छी बात है क्या क्या ये रिलेशनशिप में ये संबंध में बिल्कुल क्विट नहीं करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप बट समहाउ वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो और वो इस मतलब कोई इस तरह से मतलब उनका करियर और आप दोनों में वो किस तरह से बैलेंस कर पाए वही सोच रहे हैं. किस्मत को आजमाने के लिए ही उन्होंने ठीक है एस्ट्रोलॉजर या कोई भी टैरो रीडर को कंसल्ट किया था एंड दैट्स व्हाट इट इज एविडेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप कि आप दोनों का फ्यूचर किस तरह से होगा. नाउ विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ऑब्सेशन है आपके लिए. जानते हैं कि आप उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो
एंड दैट्स वाई दे ऑल्सो वॉन्ट टू यू कैन से गिव कंट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल जैसा एक पिकनिक हो रहा है राइट, पिकनिक में सभी से सेम अमाउंट का पैसा लिया जाएगा, यही एक्सपेक्टेशन है. तो यहाँ पे तभी जाके मौज मस्ती होगी, तभी जाके प्यार बहुत फैलेगा, एक दूसरे से मुलाकात होगा. तो यहाँ पे क्या है, बराबरी से ही बात बनती है. ठीक है, एक का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लव और दूसरा कोई इनिशिएटिव दिखाई नहीं रहा है. उसी तरह से जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनको लग रहा है कि सब किस्मत का बात है, किस्मत पे ही छोड़ते हैं वो. और उनको लगता है कि इफ़ यस इट इज़ अ फेटेड कनेक्शन. और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए. ठीक है, और जो है कि उनको लगता है कि उनको थोड़ा सा शक होता है आपके ऊपर कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो. ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर बात नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो तो व्यस्त रहते हैं अपने काम पे. ठीक है, क्या आप इनके पीठ पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप कर रहे हो, वो भी ऑलरेडी ये जान चुके हैं. बट दे हैड फाउंड दैट नो, इन दिस केस वो गलत है, उनकी सोच गलत है, आप गलत बिल्कुल नहीं है. अगर हम बोले कि वो आपके तरफ इतना मोह माया क्यों है, तो दिस इज ऑलरेडी अ डिस्टेंट कनेक्शन, दैट्स वाई इट्स देयर. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं. देखा, फोर ऑफ पेंटिकल्स इसलिए क्यों है, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स इसका वेरीफाई हो रहा है कि ये इंसान जो भी है, ठीक है, आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड है, ये कोई भी हद पार कर सकते हैं. ठीक है, कि ये ना इंसान कभी अपने पेरेंट्स से शायद इतना ज़्यादा बात नहीं किए थे आपके बारे में और इनके बारे में, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, सिचुएशन को देखा जा रहा है कि ये अपने पेरेंट्स के साथ, अपने खानदान के साथ आपके बारे में बातचीत करने के लिए तैयार है. इवन ये आपके पेरेंट्स से भी मिलने के लिए तैयार है, फेस करने के लिए तैयार है जो वो बिल्कुल पहले रेडी नहीं थे. ओके, सो टेंथ डेट ट्वेंटी यू कैन से 19th 28th एंड वो फर्स्ट डेट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखो जो जितना तक मुझे लिख रहा है ना, ये रिलेशन, ये संबंध जो है ना, ये शायद आप भी इतना ज़्यादा, ठीक है, आपके मन में यही पर्सन की जो यादें हैं ये घूमते रहते हैं, और इस पर्सन के जो है चॉइसेस रहते हुए भी ये आपको भूल नहीं पाते, ये आपसे डिटैच नहीं हो पाते. देखो द हर्मिट, यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान जब अकेले थे या भी अकेले हैं, तभी वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमेशा ही सक्सेस लेवल, हमेशा ही सक्सेस का मीनिंग ये नहीं होता है कि करियर, इट्स नॉट ऑल अबाउट करियर, इट्स ऑल ऑल्सो अबाउट द यू कैन से मटेरियल थिंग्स, लाइक यू कैन से दैट सेटिंग अप ऑफ फैमिली कनेक्शंस, इस तरह से हो. ठीक है, तो ये इंसान भले ही अकेले है तो धीरे धीरे ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी भाग्य किस तरह से उनको लेके जा रहा है. उनकी किस्मत बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उनकी किस्मत लव रिलेशनशिप के मामले में सही है? ठीक है, क्या वो गलत दिशा पे तो नहीं जा रहे हैं, क्या वो गलत कनेक्शन में तो नहीं है, वो सब कुछ चीज़ रियलाइज कर रहे हैं. तो आप बोलोगे अरे मैं इनके साथ हूँ तो गलत कनेक्शन कैसे हो सकता है? नो, बट स्टिल आप इनके माइंड को नहीं जानते हो, राइट? सो ये इंसान जो है दे आर वेरी मच शार्प. सो मैंने आपको यही कहा था कि पहले ही मैंने आपको कह दिया, दे हैव ऑलरेडी वेरीफाइड फ्रॉम सम पर्सन कि आप इनकी किस्मत में हो या नहीं हो. अगर उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है तो ये विश्वास रखते हैं, अगर उनको नहीं मिला होगा तो कहीं ना कहीं पे ये मानते हैं कि किस्मत में है तो होगा, वरना दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव उनको देखना पड़ेगा. नाइन ऑफ वैंड्स के यहाँ पे है थ्री ऑफ वैंड्स, दे हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये कोई प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, कोई मैं नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, नो, बट आई थिंक सो इनका कोई शिपमेंट है,
इनका कोई इस तरह से फॉरेन कनेक्शंस है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या ये इंसान जो है 3 साल से लगभग आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा है, एंड देयर अल्टीमेट चॉइस विल बी यू ओनली, एंड विद द 9 of Wands ये रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको कहा कि क्विट नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं, दैट्स इट। इसलिए यहाँ पे ना कुछ मतलब दो तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो 2 of Pentacles है यहाँ पे, Ace of Pentacles है, ये वहाँ पे ही कनेक्शन को ठीक है एस्टेब्लिश करेंगे, या बोलोगे कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ जहाँ पे उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, मैं आपको जो बात बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, जहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मिलेगा वो वहीं पे ही अपना कदम जो है वो बढ़ाएंगे, वहीं पे वो स्टॉप करेंगे। ठीक है, वरना वो दे विल मूव ऑन, बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज बिलीव्स इन स्टेबिलिटी एंड द गोल्डन करेंसी। समझ में आया? ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कंफ्यूज थे और दो रिलेशनशिप से वो डील कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे है, नो कांटेक्ट पे है, एक बहुत ही अच्छा जो रास्ता है आप दोनों के बीच में जो है गैप जो था वो कवर अप होगा, एंड डेफिनेटली द पैसेज विल बी ओपन्ड फॉर बोथ ऑफ यू। ये ट्रेकिंग करते होंगे मुझे दिख रहा है, साइकिलिंग करते होंगे, इवन ये पहाड़ियों के ऊपर भी चढ़ते होंगे बाई साइकिल, दे आर वेरी एडवेंचरस। ओके, ओके, स्टार की वायर विद द 2 of Wands, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे देखो ग्लोबली, तो ये इंसान इनका पहला जो ख्वाब है, ख्वाहिश है ग्लोबली एस्टेब्लिश होना, और ये विश्वास रखते हैं किस्मत के ऊपर। द वर्ल्ड इज ऑल्सो ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स इन द रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं पे जितना भी उनके पास चॉइसेस रहे, किस्मत उनको आप ही के पास फाइनली लेके आता ही है। ओके, यहाँ पे दो दो बार 10 of Pentacles है। 10 of Pentacles इज द 2 of Cups, दे वांट टू, यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी किसी से पता कर चुके हैं कि आप इनके किस्मत में हो या नहीं, तो रिजल्ट इज येस। जो भी रीडर थे या जो भी एस्ट्रोलॉजर थे, कोई भी था, उन्होंने आप पी का जैसा विवरण मतलब एक्सप्लेनेशन या आप ही के बारे में उनको कहा है। ओके, विद द 6 of Pentacles दे फाइंड, ये इंसान कोई भी रिलेशनशिप को भी डील के हिसाब से देखते हैं, द नेगेटिव ऑफ दिस पर्सन। तो इनको लगता है कि जो है ना रिश्ता बराबर के होने चाहिए, बट दे ऑलवेज फाइंड इट एज अ डील। 6 of Pentacles अगेन द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे क्या है, 1 phase ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू कंप्लीट, दूसरा लाइफ जो है आपकी स्टार्ट होने वाला है। ये इंसान ऐसे समझते हैं कि इस बार मैं रिलेशनशिप में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि ये जो कनेक्शन है ये रहे, और मैं इस कनेक्शन को किसी भी हालत में लूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, बिकॉज टू देम यू आर द वर्ल्ड। ठीक है, आप उनके लिए वो दुनिया है, आप उनके लिए वो पैशन है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, चाहे आप जो भी है राइट, लेकिन आप इनके प्रायोरिटी जो भी है, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी गोल्ड कॉइन्स और करेंसी और नोट्स रहेगा, दूसरा ज़रूर आप रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज विद द 9 of Cups एट द बॉटम ऑफ द डेक, यही साबित होता है कि इंसान 100% खुश रहने की कोशिश करते हैं, और किसी भी हालत में खुश रहेंगे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो रिलेशनशिप से हो। दे आर वेरी मच यू कैन से मेथोडिकल, और काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, 100% नहीं 500% प्रैक्टिकल दे आर। सो उस रिलेशनशिप में ही जाएंगे जहाँ पे उनको कंफर्ट लगे,
कंफर्ट फूड होता है ना दाल चावल, कंफर्ट फूड, सो कंफर्ट जोन आप हो। देखा, सेल्फ लव, आपको बोला जा रहा है आप किसी से भी प्यार की उम्मीद जब करते हैं खुद को पहले प्यार करना सीखिए। ओके, दिस इज द सिक्स नंबर, सो सिक्स इज इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ लोगों को देते जा रहे हैं, दैट इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को समझ के देखिए। आपने उनको दिया, अभी उनसे भी आपको प्राप्त करना है, उससे ज़्यादा वो भी अगर नहीं हो पा रहा है, आपके लिए यही आदेश है कि आप खुद को पैम्पर करें, खुद को एक ट्रीट दे, ठीक है। खुद से वाकिफ हो कि आपके अंदर क्या खूबसूरती है, आप क्या एक, आप एक फूल की तरह हैं जो सुंदर रहेगा हमेशा। सो अगर ये आप मान के चले, यू विल लुक यंगर डे बाई डे, अदरवाइज यू विल लुक ओल्डर डे बाई डे। समझ में आया? जूरिया पड़ जाएगी फिर, इतना चिंता करोगे तो। एंड यू विल लुक मच मोर देन योर एज। ओके, ठीक है। यू आर ऑलवेज माई काम इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू टू मेक मी फील काम। ये हमेशा ऐसा कह रहा है कि जब भी तूफान आता है, कल यहाँ पे तूफान आया था इन कोलकाता, ओके, सो कहीं ना कहीं पे आपकी प्रेजेंस, आपकी जीवन, मतलब उनकी जीवन में आपका होना बहुत एक शांति के रूप में आप आते हो। मतलब कुछ वो क्या सोच रहे हैं उससे पहले आप उनकी दिल की और दिमाग की बातें जान लेते हो, वो ऐसा कैसे है। यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर लाइफ दैट हैज़ मेड मी व्यू द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड बार बार आ रहा है, राइट, द वर्ल्ड इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे देन आई यूज टू। आप ही की वजह से उनके नज़रिया बहुत हद तक चेंज हो चुका है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। आप सिर्फ उनसे ना एक्सपेक्ट करते हो ज़्यादा और आप अपने आप को निगलेक्ट करते हो ज़्यादा, दैट इज 100% कन्फर्म। लोगों से ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद करते हो जो जनरली आपसे वीक होते हैं। आप काफ़ी पंक्चुअल हो, आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप वो रोशनी हो जो उनकी ज़िंदगी में अंधेरा को दूर करता है। आप उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, इससे पहले उन्होंने काफ़ी रिलेशनशिप्स देखे हैं, इवन दे हैड बीन इनटू फिजिकल कनेक्शंस, बट आपके जैसा कोई उनको प्यार नहीं कर सकता। और आप उनको, मतलब आपके अंदर इतना शक्ति है या आप वाइल्ड एनिमल्स को भी, ठीक है, अपने वश में काबू में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर नेचर। ओके, 8882 टाइम्स। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो, अपने काम में बहुत ज़्यादा क्विक हो, लेज़ी नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, और आप बहुत रिलायबल हो, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और आप हर एक चीज़ में ही बहुत जल्द जल्द उसको कंप्लीट कर देते हो, दैट इज़ योर क्वालिटी। कभी कभी आप उनके साथ झगड़ा भी करते हैं, लेकिन उनका यही कहना है आप कंपिटिटिव भी है, आप दूसरों से हेल्दी कंपटीशन भी करते हैं, आप अपने फील्ड में बहुत स्ट्रांग हैं और कहीं ना कहीं पे आप दोनों में कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन डिफरेंस है, तो हो सकता है कि आप दोनों में इसलिए थोड़ा सा मेंटालिटी में डिफरेंस होता ही है। हायरोफेंट, आप ये ऐसा बोलते हैं कि आपके मतलब खुद के दोस्तों के साथ ऐसा बात करते हैं कि आप चाहते हो मे बी, या ये चाहते हैं कि आपके जो विवाह है, राइट, सो कहीं ना कहीं पे कोई चर्च या मंदिर या गुरुद्वारा या कहीं पे भी हो, ठीक है, सो यू वांट अ मैरिज दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इन अ टेम्पल, इट्स लाइक दैट। और ये ऐसा भी बोलते हैं लोगों को कि आपके अंदर जो उसूल है, आप एक बहुत अच्छा सा, आपके अंदर जो एथिक्स है, आपके अंदर जो मोरल है, ये किसी दूसरे के अंदर बिल्कुल नहीं है, उतना ज़्यादा, उतना लेवल पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं, आप पनिश भी करते हैं लोगों को। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, दे ऑल्सो से
टू एवरी वन कि यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिफिनिटी डायलॉग्स एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव योर लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाई.